हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सा वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री का एक प्रूफ है, बहुत स्टेटमेंट हम लोग सब जानते हैं कि होता, लेकिन होता ये कैसे है, ये कहाँ से आया रिजल्ट, ठीक है। हम ये जानते हैं कि नहीं जानते तो जान लीजिए कि चाहे हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए, क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोले तो चतुर्भुज, क्वाड मतलब क्या होता है चार, लेटरल मतलब साइड, चार साइड वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, है ना, सॉरी चार साइड वाला जो डायग्राम होता है, फिगर होता है ज्योमेट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, या पॉलीगॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, फोर साइड वाला मैंने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल। तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए, ठीक है ना, उसके चारों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। ये बात हम आज प्रूफ करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक सकते हैं दबा के, ठीक है ना। ओके आइए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है, एबीसी क्वाड्रिलेटरल है, है ना। तो इसके चारों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये बात हम सॉरी 360 डिग्री का होता है ना। ये बात हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ गया बात, क्या कैसे प्रूफ करेंगे, चाहे हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाए। जैसे देखिए मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल खींच लेता हूँ, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए इसका नाम पी क्यू आर एस है, ठीक है ना। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर और प्लस एंगल एस कितना होगा, 360 डिग्री होगा, सही है ना। तो आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल खींचो उसमें चार एंगल होंगे और चारों एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360 होगा, सही है मित्रों, वेरी गुड। तो अगर इतना बात आपको, है ना, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। ये स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, आइए हम इसका देखते हैं प्रूफ, ठीक है, बहुत ही शानदार और इजी वे में, ठीक है ना, इससे आसान है ना प्रूफ आपने शायद देखा नहीं होगा। आइए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है हमारा भाई। मैंने आपको बताया इससे पहले, मैं आपको कुछ और भी वीडियो बना के दिखा रहा, जैसे ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल के तीनों का सम एक 180 डिग्री होता है, ये बात ये वीडियो मैं बना चुका हूं, ठीक है। आप हमारे चैनल पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और देखिए, है ना, उस वीडियो को। यहां देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, गिवेन है ना, सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट दिया होता है उसमें गिवेन क्या है, हमारे पास क्या है, गिवेन एक क्वाड्रिलेटरल गिवेन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है मेरे यार, समझे। देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो गिवेन आ क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल को साउथ में ऐसा लिखते हैं, गिवेन आ क्वाड्रिलेटरल मान लेते क्या, ए बी सी डी, ठीक है ना। हमारा जो क्वाड्रिलेटरल उसका नाम क्या है, ए बी सी डी है, कुछ भी नाम सकते हैं, पी क्यू आर एस है ना, समथिंग समथिंग। आइए तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल, सही है मित्रों, देखिए हम ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं अपने मन से, सही है, कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लिया, नाम रखते हैं देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आधार पे हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट, हमको ये प्रूफ करना मेरे यार, क्या प्रूफ करना है कि सारे एंगल का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा मेरे यार, 360 होगा, ठीक है, 360 डिग्री, क्या होता है भाई, डिग्री, सही है ना, हाँ 360 डिग्री। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल पाने की स्थिति में है ही नहीं, सीधे क्वाड्रिलेटरल देखा दे रखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेरे यार, आ जाओ। तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे बताओ, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस बार देखिए कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, क्या बेसिस कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके एक डायग्राम को खींच लेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, बी से डी को मिलाता हुआ एक लाइन खींचेंगे, सही है। जैसे ही आप ये लाइन खींचोगे ना,
तो देखोगे यहाँ पे दो ट्रायंगल जनरेट हो रहा है मेरे यार। देखो एक ट्रायंगल DAB और एक ट्रायंगल BCD, सही है। तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा, 180 इसका और 180 इसका जोड़ेंगे तो 360 तो पूरी ही जाएगा, बस इतना ही बात है मेरे यार, समझे। तो यही काम हम करने वाले हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। इस तीनों एंगल का सम 180 और इस तीनों एंगल का सम 180, 180 180 को जोड़ दो, क्या बनेगा मेरे यार, बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 360 बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखो ये हम आपको आसानी से समझाने के लिए, जो है ना, इस एंगल को आसानी से समझाने के लिए इस एंगल का नाम हम एक रख देते हैं, क्योंकि एंगल डी जो हमारा था ना, वो दो पार्ट में बट गया। तो ये पगला वन है और ये पगला दो है, ठीक है, और ये पगली एक, नहीं इसको कुछ तीन बोलते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको कुछ और बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, चार बोल देते हैं, ठीक है। मतलब एंगल, इस एंगल को हम चार नाम रख दिए, क्योंकि बेचारा बी जो है ना दो पार्ट में बट गया, ठीक है। तो लंबा लंबा नाम रख के दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि उसका नाम आसान भाषा में रख दिया, है ना। आसान भाषा मतलब उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया एंगल को, ताकि आपको समझने पे ज्यादा आसान, है ना, ज्यादा आसानी लगे। आइए अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं मित्रों, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बी ज्वाइन बी टू डी, है ना। हमने किसको ज्वाइन कर दिया, बी ज्वाइन बी टू डी, ओके। अब आइए अगला स्टेप, आखिरी स्टेप, प्रूफ, सबसे मजेदार स्टेप, यही तो हमारा जान है, यही तो हमारा जहान है। आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बात आपको समझ में आ गया होगा। हम जानते हैं वी नो डैट, व्हाट नो डैट, ये मैं प्रूफ आपको दे चुका हूं पहले भी, वी नो डैट हमें पता है भाई, क्या पता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैं सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है, बट ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है, ये बात हमको पता है, सही है ना, इसमें हमें कोई डाउट वाउट नहीं है, सही है ना मेरे भाई, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे नाउ। अब देखिए उस पिक्चर में आइए, और इस उस पिक्चर से हम क्या लिखते हैं, ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी ए बी, आइए इन ट्राइंगल डी ए बी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए वन प्लस एंगल ए प्लस प्लस एंगल थ्री, क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उस स्ट्रक्चर से। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें, इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी में देखिए, इन ट्राइंगल डी बी सी में किया तुम्हारे, देखो एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा, ये इक्वेशन नंबर दूसरा। अब हमको चाहिए 360, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो भैया LHS वाला LHS के साथ जुटेगा, है ना, और RHS वाला RHS के साथ घुसेगा, है कि नहीं, मतलब जुटेगा, सही है ना। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो तो इसको करेंगे क्या, क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, उसके मतलब अलावा क्या आएगा, एंगल ए आएगा, एंगल सी आएगा, और एंगल 3 4 आएगा, एंगल 3 आएगा और एंगल क्या आएगा, 4 आएगा मेरे मित्रों। और आगे इसमें देखिए 180 180 जुटे तो 360 हो ही जाएगा ना मेरे यार, बहुत आसान सा प्रूफ मैंने आपको दे दिया। देखिए अब ध्यान से देखोगे पिक्चर में, तो आपको नजर आएगा कि एक और दो मिलाकर के क्या बना हुआ है, डी बना हुआ है, एक और दो पूरे एंगल को मिला दे कितना बन जाएगा, डी, है ना। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, इसको यहां पे तुम लिख सकते हो एंगल डी ए, तो भैया हमको चाहिए, हमको प्रूफ में ए भी, ए तो चाहिए, ए चाहिए, है ना, एक दो नहीं चाहिए तो उसको इसके बाद क्या लिख सकते हैं, डी चाहिए तो डी लिख दिए, ठीक है, ए तो हमको चाहिए, सी तो हमको चाहिए प्रूफ में, हमको सी है, और 3 4 हमको नहीं चाहिए, 3 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 को हम लिख सकते हैं एंगल बी। बोलो मेरे भाई कितना आसान प्रूफ था, कितना आसान था, मैं आपको हर एक प्रूफ इस तरीके से, है ना, जो भी आपके काम का चीज है ना, जो आपको मजा आता है कि भैया ये आया तो आया ही कैसे, ठीक है, आया तो आया ही कैसे, ठीक है ना, ये बात से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। तो फाइनली आप क्या देख पा रहे हो कि एंगल ए, इसको मैं सिस्टमैटिक लिख देता हूं, एंगल बी प्लस एंगल सी अब प्लस एंगल डी बराबर कितना हुआ, 360 डिग्री हो गया मेरे यार। आइए ये रहा तुम्हारा प्रूफ, डिग्री को मैं पॉइंट से दिखा रहा हूं, थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा, ये हुआ तुम्हारा PROVED। यहाँ पे आप एक और बात मेंशन कर सकते हैं कि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एक प्लस दो क्या होता है, एंगल डी है, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, बोलिए
हमारा एंगल बी है, ये बात आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सिंपल सोबर सा प्रूफ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दबा करके क्या कीजिए, दबा करके हमारा स्क्रीनशॉट लीजिए और दबा करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, समझे? हाँ ठीक है मेरे यार, ओके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं, ये तो मैंने लिखा, बाकी मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, एक डायगोनल खींचना है, ठीक है, और क्या करना है, और क्या करना है, इधर एक ट्रायंगल बनेगा, इधर एक ट्रायंगल बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, उससे क्या होगा, दोनों को जोड़िएगा तो 180 180 360 हो जाएगा, और इधर LHS को जोड़िएगा तो सारा एंगल मिल जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 हो जाएगा। सिंपल सा था, ठीक है ना, बहुत आसान सा था, आप कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा मेरे यार, समझे? वेरी गुड। तो आज के वीडियो, ठीक है ना, मैं जाने से पहले मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, ठीक है, तो दिल खोल करके लाइक कीजिए, समझे, दिल खोल करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा तो क्या कीजिए, कमेंट मारिए, समझे कि नहीं, कमेंट छोड़िए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि आप जो लाइक ठोकते हो ना, उसी से हमारा हौसला बुलंद होता है, हम आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो भाई लोग हैं जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ा भी मजा नहीं आता है, एक बार हमारे चैनल का लिंक उनको भेज के देखिए, हर चीज़ अवेलेबल है मेरे, खास करके उन लड़कों को जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा ही नहीं आता है, अब भैया हमारा चैनल से एक बार पढ़ के देखिए, इट्स सो सिंपल एंड सो ईजी, ठीक है ना, और हम अपनी क्वालिटी दिन प्रतिदिन आपके लिए बेहतर करते जा रहे हैं, और आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आपसे ले रहा हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, ठीक है, खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए, ठीक है, और अपने आसपास में खुशियाँ फैलाइए, ओके बाय।